गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुछ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो किया जा रहा है, आप लोग को मिल ही रहा है अपडेट विभिन्न चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। आज हम कमेंट देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल का, उसमें बहुत लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि बिहार एसएससी का जो कलेक्ट्रेट क्लर्क होता है, उन लोगों का वर्क कल्चर कैसा होता है, उन लोगों का कार्य क्या होता है, ऑफिस का कार्य होता है या फील्ड का कार्य होता है, उनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, किस प्रकार का कार्य कराया जाता है और कितना वेतन मिलता है उन लोगों को, और सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधा मिलती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक दो दिन से वीडियो थोड़ा डिले हो रहा था एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें था कि हम लोग कुछ टीम निकल गए थे घूमने के लिए, समय नहीं मिल पा रहा था बनाने के लिए वीडियो। अब हम लोग आ गए यहाँ से, कंटिन्यू हम लोग का सीरीज स्टार्ट होगा। आज के सीरीज में हम लोग बिहार एसएससी कलेक्ट्रेट संवर्ग का जो क्लर्क होते हैं, उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग दोस्तों, कलेक्ट्रेट का जो क्लर्क होते हैं, जो बिहार एसएससी के द्वारा रिजल्ट दिया गया, अभी उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है डीएम के ऑफिस में, और डीएम के ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल हो जाएगा डीबीओ उन लोगों का, तो उन लोगों का ट्रेनिंग 4-5 दिन के लिए, 1 सप्ताह 10 दिन के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा कलेक्ट्रेट में। सभी जिलों के लिए आवंटित कर दिया गया है कैंडिडेट का लिस्ट, जो सामान्य प्रशासन विभाग के साइट पे है, वेबसाइट पे आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। रोल नंबर वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट डाला गया है, अपलोड किया गया है साइट पे। उन लोगों का तिथि अभी निर्धारित नहीं है कि किस तिथि को वो लोग संबंधित जिला को, जहाँ उन लोग का जिला आवंटित हुआ वहाँ पे कब ज्वाइन करेंगे वो, उसका भी लेटर जल्दी आ जाएगा 1-2 दिन में। और जब लेटर आ जाएगा तो उसमें तिथि निर्धारित रहेगी कि इतना तिथि तक ज्वाइन कर लेना है, इतना तिथि तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल कर लेना है, और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। दोस्तों, बिहार एसएससी के द्वारा जो कलेक्ट्रेट क्लर्क का जो रिजल्ट आया है, वो जो कैंडिडेट होता है कलेक्ट्रेट क्लर्क का, वो जिला, उन लोगों का कैडर जिला स्तर का होता है। एक जिला जब नामित हो गया तो उसी जिला में वो रिटायरमेंट तक काम करेंगे। विशेष परिस्थिति में उनका जिला ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए बहुत सारा एनओसी चाहिए, बहुत सारा अनुमति चाहिए, और वो होता है आपको सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के साइन से होता है, तो वो बात की चीज़ है, उसके बारे में हम लोग अभी जो चर्चा नहीं करेंगे। अभी आप लोगों जो जिला आवंटित हो गए उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ क्या क्या, किस तरह का कार्य होगा और क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी। दोस्तों, कलेक्ट्रेट क्लर्क का जो होता है, जो डीएम के क्लर्क होते हैं, आप जब ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे, तो डीएम के द्वारा ये जरूरी नहीं है कि आपको कलेक्ट्रेट में ही रखा जाएगा, आपको विभिन्न ब्लॉक, अंचल और मंडल या डीएम का अन्य शाखा जो होता है उसमें आपको भेज दिया जाएगा। जब वहाँ आप जाइएगा तो शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा काम दिया जाएगा, जो सीनियर क्लर्क होंगे वो हल्का हल्का काम देंगे कि आप सीखिए पहले काम को भी कैसे किया जाता है। दोस्तों, जो क्लर्क का काम होता है, जो कलेक्ट्रेट क्लर्क का, वो टेबल का काम होता है, आपको एक चेंबर में, एक रूम में बैठ के टेबल पे फाइल का काम करना है, बाकी फील्ड का काम नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में कभी कहीं कैंप लगा वहाँ पे आप जा सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल आदेश मिलेगा, स्पेशल आदेश डीएम के द्वारा मिलेगा, या जिस ऑफिस में आप पदस्थापित तो वहाँ के ऑफिस प्रधान जो ऑफिसर होंगे उनके द्वारा मिलेगा। तो उस परिस्थिति में सिर्फ 1 या 2 तिथि को आप जा सकते हैं बाहर। बाहर क्या, उस अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं कैंप या शिविर लगेगा किसी विशेष कार्य के लिए, वहाँ पे आपको जाना है, उसमें रहेगा लेटर में। तो आप जब ज्वाइन कर लीजिएगा, जब हो जाएगा तो वो बात की चीज़ है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सब ऑफिस में ऐसा हो। आप जब ज्वाइन कीजिएगा, डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएगा, ट्रेनिंग प्रोसेस आपका फाइनल हो जाएगा, जो 8-10 दिन का ट्रेनिंग होगा विभिन्न शाखाओं का, जिसमें इश्यू डिस्पैच सिखाया जाएगा, वेतन कैसे बनाया जाता है, वेतन स्ट्रक्चर क्या है, फाइल कैसे लिखा जाता है, उसका नोटिंग ड्राफ्टिंग जो है वो सिखाया जाएगा, चिट्ठी के बारे में समझाया जाएगा किस प्रकार का चिट्ठी किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि आपका ये जब ज्वाइन कर लीजिएगा किसी ऑफिस को तो आपका यही काम रहेगा, सिर्फ चिट्ठी बनवाना, फाइल लिखना, वेतन कहीं कहीं बनाना, कहीं कहीं बिल वाउचर देखना, इस टाइप का काम होता है। तो आप जब ज्वाइन कर लिए, ट्रेनिंग प्रोसेस फाइनल हो गया, किसी ऑफिस को जब ज्वाइन कर लिए, तो आपका, आपको कभी कभी थोड़ा थोड़ा काम दिया जाएगा, धीरे धीरे आपका काम बढ़ाते जाएंगे लोग। काम जब बढ़ते जाएगा, आप धीरे धीरे काम जब करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको काम समझ आने लगेगा किस प्रकार का काम कैसे किया जाता है, कैसे उसका फाइल बनाया जाता है, कैसे ऑफिसर को दिया जाता है। तो वो जब समझ में आ जाएगा, परिपक्व किरानी हो जाएंगे, किरानी क्लर्क, मतलब किरानी,
आपको बड़ा बड़ा फाइल दिया जाएगा परिवार में कि आप फलना है, जैसे राकेश बाबू हैं, आपको बाबू बोला जाएगा, नेम प्लेट लगा कि बाबू हो गए आप, ऑफिस का बाबू, सुने होंगे बाबू कल्चर, वहीं बाबू आप बनने जा रहा है, राकेश बाबू है तो इनको इस विभाग का फाइल दे दिया जाए। तो आप काम करने लगेगा आप दोस्तों, शुरू में तो आप बहुत मेहनत कीजिए, अगर अच्छा सा आपको सीखना है या अच्छा नज़र में रहना है ऑफिसर को कि हाँ ये बढ़िया क्लर्क है मेरा, तो थोड़ा सा कष्ट होगा कि आपको 10 to 5 के अलावा भी काम करना पड़ेगा, अगर बढ़िया काम करते हैं ऑफिसर के नज़र में हैं आप। इसका बेनिफिट भी आपको बहुत मिलेगा ऑफिसर के द्वारा, आपको बहुत चीज़ों में ऑफिसर के द्वारा डील दिया जाएगा कि हाँ छुट्टी हो गया या कोई पर्सनल चीज़ हो गया उसके बारे में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप लेबोरियस है काम में। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग काम कर वो वर्क कल्चर देख रहे हैं। आप जब ज्वाइन कर लीजिएगा आपको कहीं दूसरे ब्लॉक या अंचल या कलेक्ट्रेट के शाखा को आवंटित कर दिया जाएगा कि आपका यहाँ पदस्थापन किया जाता है, आप यहाँ जाके काम कीजिए। तो आपको सरकार के द्वारा सुविधा में क्या मिलेगी, आप चाहिएगा तो सरकारी आवास ले सकते हैं, आवंटित आपके नाम से, अपने नाम से करवा सकते हैं। 2 BHK का आवास मिलता है आपको, उसमें 2 रूम लेटरिन किचन बाथरूम और गैलरी छोटा सा रहता है, तो एक फैमिली के रहने के लिए बहुत अच्छा है 2 BHK। उसके बाद जब आप काम स्टार्ट कर दिए, फैमिली शिफ्ट कर लिए, या आप बैचलर है, आप अगर आवंटित करवाना चाहते हैं आवास, तो आवंटित हो गया आवास तो आपका वेतन से हाउस रेंट कट जाएगा, अगर आवंटित नहीं करवाते हैं तो आपको हाउस रेंट मिलेगा वेतन में। वेतन आपको लगभग शुरुआती वेतन 31,500 के आसपास मिलेगा वेतन, लेवल 2 का ये पद होता है, 7वां वेतन आयोग के तहत लेवल 2 का ये पद होता है, और 31,000 के आसपास आपको वेतन मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस, अगर शहर में हैं, बड़े शहर में हैं तो हाउस रेंट अधिक मिलेगा, रूरल एरिया में पोस्टिंग हो गया ब्लॉक अंचल में तो हाउस रेंट कम मिलेगा, हाउस रेंट का ही बस डिफरेंट होता है। तो आप बढ़िया शहर में, बड़े शहर में नगर परिषद नगर पालिका वगैरह में पोस्टिंग आपका है तो आपका हाउस रेंट अधिक मिलेगा, 8% मिलेगा, और रूरल एरिया में हो गया ब्लॉक अंचल में तो 4% हाउस रेंट मिलेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, आधा कम होगा, थोड़ा सा नहीं, आधा हाउस रेंट कम हो जाएगा। तो हाउस रेंट अगर हाउस आप अलॉट करवाते हैं तो हाउस रेंट नहीं मिलेगा, वेतन 31,500 के आसपास आपको मिलेगा शुरुआती वेतन, जिसमें आपका कटौती वगैरह को करके आपको 31,000 के वेतन मिलेगा। 30,000 क्लर्क के लिए ठीक है, वेतन ठीक है, धीरे धीरे आपका वेतन इंक्रीमेंट होगा, जो सरकारी ऑफिसर का इंक्रीमेंट होता है हर जुलाई में, और DA जो मिलता है तो उस टाइप का आपका भी होगा। NPS का सुविधा आपको मिलेगा, नेशनल पेंशन सिस्टम का सुविधा मिलेगा, NPS कंट्रीब्यूट आपको करना होगा अपने वेतन से, और वो आपको न्यू पेंशन सिस्टम का जो है उसका मिलेगा, नेशनल पेंशन सिस्टम का। इसके अलावा आपको दोस्तों दूसरा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस या मेडिकल आपको 1,000 तो मिलेगा वेतन के साथ ही। ट्रेवलिंग अलाउंस तब मिलेगा जब आप किसी ऑफिस काम के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, और आने के बाद वहाँ बिल जो पुटअप कीजिएगा, अब बाहर जाने के लिए स्पेशल आपके नाम का आदेश निकला है ऑफिसर के द्वारा कि फलना आदमी ही बाहर जाएगा, तभी आप ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कीजिएगा उस अकाउंट सेक्शन से, आपको पास करके उतना का पैसा आपको मिल जाएगा। तो जनरली बहुत कम ही लोग जाता है बाहर, क्लर्क लोग नहीं भेजा जाता है, तो ना ही मान के चलिए, नहीं जाए वही ठीक है, वो थोड़ा सा 1,000-2,000 रुपये के लिए भाग दौड़ करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा कष्टदायक हो जाएगा। दूसरे जिला का लोग अगर अन्य जिला में नौकरी कर रहा है, उनके लिए थोड़ा सा है 30,000 रुपया में मेंटेन करना थोड़ा सा है, लेकिन अभी चल जाएगा, 30,000 रुपया भी कम नहीं होता है। तो आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो ये सब काम आप कराएगा दोस्तों। आप शुरुआती पे ज्वाइन करने के बाद आप इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, आपको बस काम सीखना है, एकदम काम पे ध्यान देना है। आप लोकल लोगों के संपर्क में बहुत कम आइएगा, अगर आपको बढ़िया से नौकरी कर लेना है तो लोकल लोग के संपर्क में आइएगा तो आपको बाद में गलत काम के लिए दबाव देगा लोग, ये करवा दीजिए मेरा, वो करवा दीजिए, पैर भी बहुत तरह का आएगा, आपका उतना पावर नहीं है कि आप कोई काम करवा सकते हैं जाके, आप एक छोटे पद पे है, शुरुआती पद पे है, और आपका कोई पावर नहीं है कि आप ऑफिसर को कन्विंस करके करवा सकते हैं। ऑफिसर भी कन्विंस तभी होगा जब आप काम बढ़िया कीजिएगा, आउटपुट बढ़िया दीजिएगा, तभी आपके बात को सुनेगा, नहीं तो ऑफिसर सुनेगा भी नहीं आपका बात को। तो दोस्तों यही कलेक्ट्रेट चैम्बर का जो किरानी है, जो क्लर्क है उसका है, उसमें आपको समय समय पर उस जिला के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में ट्रांसफर DM के द्वारा कर दिया जाएगा। आपका जो कंट्रोलिंग होगा, जो ऑफिसर होगा,
नियुक्ति प्राधिकार है वो डीएम ही है। आपको डीएम ही आपको नियुक्ति पत्र देंगे, डीएम के द्वारा ही आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, डीएम के द्वारा ही आपको सस्पेंशन किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा, जो भी आरोप लगेगा उसका। तो आपका नियुक्ति प्राधिकार डीएम ही होंगे, कंट्रोलिंग ऑफिसर डीएम ही होगा। आपको किसी एक जगह भेज दिया जाएगा किसी कार्यालय में, जाइए आप वहां काम कीजिए 2-3 साल के लिए, फिर 3 साल के बाद आपका ट्रांसफर दूसरे कार्यालय में डीएम के द्वारा कर दिया जाएगा। तो ऐसा कल्चर यहाँ बिहार में चलता है क्लर्क के लिए, कलेक्ट्रेट क्लर्क के लिए। कलेक्ट्रेट क्लर्क के लिए आप ज्वाइन कर लिए, आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया, आपका सर्विस बुक खुलेगा, एनपीएस कटौती के लिए एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए ट्रेजरी को लेटर जाएगा। जब एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा तब आपका वेतन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ज्वाइन कीजिएगा, उसके 2-3 माह का प्रोसेस ये लगता है सर्विस बुक और एनपीएस अकाउंट खोलने में। जल्दी से जल्दी किया जाएगा तो 1.5 माह लग ही जाएगा, उसके बाद आपका वेतन निकासी होना स्टार्ट हो जाएगा। सीएफएमएस के थ्रू वेतन निकासी होता था, अभी एचआरएमएस लागू किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, उसके थ्रू निकासी होगा। काम धीरे धीरे कीजिएगा, आपको बड़ा बड़ा शाखा का बड़ा बड़ा फाइल मिलते जाएगा। आप काम में जितना परिपक्व होइएगा उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप ऑफिसर के नज़र में आइएगा, ऑफिसर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी देगा। दोस्तों काम में पीछे नहीं हटना है। 31,500 के आसपास आपको वेतन मिलेगा। हाउस आप अलॉट करवा सकते हैं, आवश्यकता आपको है कि हम सरकारी हाउस में रहें, कॉलोनी में रहें, तो आप अलॉट करवा सकते हैं। हाउस रेंट आपको कट जाएगा जब अलॉट कराइएगा। तो मेडिकल आपको वेतन के साथ ही 1,000 रुपये मिलेगा, बाकी एनपीएस कटौती वेतन के साथ वेतन में ही किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा अन्य कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगा, गाड़ी टेलीफोन ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ऑफिस में है तो ऑफिस का टेलीफोन यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस का टेलीफोन यूज करने के लिए आपको वहाँ पे जो लॉग बुक टेलीफोन का होता है उसमें मेंटेन करना होगा, उसमें लिखना होगा कि हमने इस कार्य के लिए फलना को फोन किया था। सिर्फ ऑफिशियल यूज कर सकते हैं, पर्सनल यूज नहीं कर सकते। अब बाकी जो आपका टेबल का काम है, फील्ड का काम नहीं, आपको ऑफिस में रहना है, टेबल और फाइल का काम करना है, लिखना है, कंप्यूटर भी चलाना है, कंप्यूटर पर लेटर बनाना है या कोई रिपोर्ट बनाना है। इसके अलावा आपको फील्ड में कहीं नहीं जाना। फील्ड में विशेष परिस्थिति में आपको जाना हो, जैसे आपदा हो गया, इलेक्शन हो गया, या कोई अन्य कार्य के लिए आपको शिविर लगाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, उस परिस्थिति में आपको फील्ड में भेजा जा सकता है। इलेक्शन में आपको जाना होता है, ऑफिस का भी इलेक्शन में काम करना पड़ता है। जो कलेक्ट्रेट संभर का किरानी होता है जिस ऑफिस में रहते हैं वहाँ भी इलेक्शन का काम होता है। आप ब्लॉक में रहिएगा या अंचल में रहिएगा, अनुमंडल में रहिएगा, नहीं तो कलेक्ट्रेट में रहिएगा। ये चारों पांच जो ऑफिस है वो इलेक्शन से रिलेटेड ऑफिस है। ये जब इलेक्शन होगा, कोई भी इलेक्शन होगा, तो पांचों ऑफिस का काम हो जाएगा एक्टिव। तो आपको इलेक्शन का भी काम करना है, इलेक्शन करवाने भी जाना होगा। आपको बूथ पर भी भेजा जा सकता है कि जाइए इलेक्शन करवाइए, और P1 P2 प्रेजाइडिंग जो बनता है उसमें बना के भेजा जाएगा। और उसके अलावा आपको ऑफिस का भी काम कराया जाएगा। इस वर्क कल्चर ये है दोस्तों, आप बढ़िया काम कीजिएगा, धीरे धीरे आप आइएगा नज़र में, तो इसमें बहुत कुछ है, अच्छा पोस्ट है। थोड़ा सा वर्कलोड है क्योंकि अभी भी क्लर्क का बहुत कम लोग है, वह पोस्टिंग बहुत कम हुआ है, लोग भी बहुत कम है, पद बहुत अधिक सृजित है और वर्कलोड बहुत अधिक है। तो एक क्लर्क को 3-4 विभाग का प्रभार मिला हुआ है। धीरे धीरे जब और कम होते जा, प्रत्येक माह में लोग रिटायर करते ही जा रहे हैं, बहाली उतना हो नहीं रहा है। BRSSC के द्वारा हुआ, कुछ लोग अनुकंपा के तहत आ रहा है, वो भी बहुत लिमिटेड है। वर्क कल्चर यही है दोस्तों, 30,000 के आसपास, 31,500 के आसपास वेतन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो हम लोग बनाए हैं, आज शाम से हम लोग सीरीज अपना स्टार्ट फिर से करते हैं और विस्तृत वीडियो पर चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।